यूपी के बुलंदशहर आईटीआई स्कूल में सो रही स्कूल संचालन की बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी और फरार हो गए। पुलिस ने अज्ञात हत्यारों के खिलाफ मामला दर्ज कर बदमाशों का सुराग ढूंढने में लगी है। खून से लथपथ पड़ा ये सब अशोक भारद्वाज का है, जो खुर्जा में स्थित लक्ष्मी नारायण आईटीआई कॉलेज चलाते थे। पूरा प्रकरण तो हम नहीं कह सकते रात में क्या हुआ, वो स्कूल पर सो रहे थे। जब सुबह हमें सूचना मिली है तब हम वहाँ से दौड़े हैं, तब पता लगा है कि इस तरह से प्रकरण हुआ। अब ये तो जब देखा तो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि सीधे सीधे गोली लगी है। दरअसल अपने कॉलेज में बने कमरे में अशोक भारद्वाज रोजाना की तरह सो रहे थे कि देर रात बदमाशों ने सिर में गोली मारकर हत्या कर दी और वहां से फरार हो गए। हत्या का आज सुबह उस समय पता चला जब स्कूल में सफाई करने वाली कर्मचारी पहुंची और अशोक भारद्वाज का खून से लथपथ शव उनके ही बिस्तर पे पड़ा देखा और उनके कमरे में शराब की बोतल भी पड़ी थी, जिससे आशंका जताई जा रही है कि बदमाशों ने हत्या से पहले शराब भी पी होगी। इस पर खुर्जा सीओ का क्या कहना है, आप खुद सुनिए। नगला सेखू गांव में आज सुबह 100 नंबर पर सूचना मिली करीब 6 बजे कि नगला सेखू गांव में एक व्यक्ति की गोली मार करके हत्या कर दी गई है। तत्काल हम लोग मौके पर हैं, छानबीन की जा रही है, परिजनों से तहरीर लेकर के अभियोग पंजीकृत कार्रवाई की कार्रवाई प्रचलित है और डेड बॉडी इसको पीएम पंचायतनामा करके पीएम के लिए भिजवा दिया गया है। सारे बिंदुओं पर हम लोग छानबीन किया रहे, जैसा ये लोग बता रहे थे कि रात में ये अकेले सोते हैं और इनकी नौकरानी सुबह 5 बजे जब आई है तो उसको ये पता चला है। ये सारे बिंदुओं पर हम लोग घटना का बहुत बारीकी से निरीक्षण किया गया है और सारी बिंदुओं पर जांच किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने अज्ञात हत्यारों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और सबका पंचनामा भर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस हत्या के कारणों का पता लगाने में जुटी है। जनपद बुलंदशहर से रिजवान अंसारी की ये रिपोर्ट।